It was our question number 7. Read the question from textbook. The question: draw the graph of equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis and share the triangular region. See, here we want to draw line of these two equation. और ये दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां से एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए जिसको हमें शेड करना है. तो लेट अस फाइंड आउट और लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस टू इक्वेशन. बट टू ड्रॉ ग्राफ यू नो वेरी वेल फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स और वाई. देन वी फाइंड आउट कोऑर्डिनेट. हियर एक्स वाई एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3x plus 2y minus 12 equal to 0. और देखो एलिमिनेशन मेथड में आपको मालूम है x और x को कैंसिल करने के लिए उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए. इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है. तो इसका कोएफिशिएंट 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके 1 को. यानी एक बात याद रखना, जब भी x के कोएफिशिएंट सेम ना हो तो x के कोएफिशिएंट का क्रॉस कर डालो. यानी देखो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करो, सेकंड में जो x का कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट से करो. ये और कुछ नहीं एलिमिनेशन मेथड ही है जो हम 3.4 में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई होल इक्वेशन फर्स्ट. सो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकंड विल मल्टीप्लाई विद 1 ओनली. Now what we'll do, we'll change the sign. Minus, minus, plus. Minus, minus, plus, 3 plus 2, 5y, the greater number sign. Plus, plus, plus. See, what does it mean we are getting y equal to minus 3? यानी हम जो भी coordinate लेंगे, उसमें y की value minus 3 लेनी ही है. एक वैल्यू माइनस थ्री लेनी, बाकी आपको जो लेना है वो लो. क्योंकि ये y इक्वल टू माइनस थ्री पे दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट. लेट अस फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट लाइन. शिफ्ट दिस माइनस y एंड 1 टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ओके, नाउ यू मस्ट हैव टू टेक वैल्यू वन वैल्यू ऑफ y माइनस थ्री, फिर दूसरी आपको जो लेनी है वो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सिंपल माइनस ही तो लेना ही है, नेगेटिव वैल्यू में मुझे लेनी है तो आपको पॉजिटिव लेनी है तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव लेनी है तो नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो वाई के में पॉजिटिव 1 से स्टार्ट करता हूं, आपको जो लेना है वो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. लेट वाई इक्वल्स टू 1, सो एक्स विल बी माइनस 1 इंस्टेड ऑफ वाई 1, सो वाई विल बी 0. Now let us take y equals to 2. So x will be minus 1 instead of y 2. So x will be 1. देखो third value of y minus ही तो लेनी ही है. Now we'll take y equal to minus 3. So x equal to minus 1 instead of y minus 3, x equal to minus 4. Draw a table. X 0, y 1, x 1, y 2, x minus 4, y minus. Okay? Now let us find out coordinate of the second line, which is 3x plus 2y minus 12 equal to 0. See if this minus 12 first of all. 3x equals to, okay, shift to y also, then 3. See, we cannot cancel this 3 and 12 from each other, huh? Because 3, 4, 12 we cannot do. Now we are having fraction. So whenever you are in fraction, I told you ki kaise karne ka, jab bhi fraction ho, तो ये जो भी हमें वैल्यू लेनी है, एक वैल्यू उसमें
डिनोमिनेटर को वन टाइम प्लस करने का और वन टाइम माइनस, वही वैल्यू लेने कंफर्टेबल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो अब एक काम करते हैं, लेते हैं पहले y इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ y इक्वल टू माइनस थ्री लिया तो क्या माइनस फोर मिला था ना, तो यहां पर माइनस फोर ही मिलेगा सेम, क्योंकि यहां पर तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी 12 माइनस टू इंस्टेड ऑफ y माइनस थ्री, 12 माइनस माइनस प्लस सिक्स, जस्ट मिनट, अपॉन थ्री लिखना रहेगा ना, सो ये एक्स विल बी, लेट मी चेक द क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस Let us solve. Minus minus plus 2 3 is 6 by 3, 12 plus 6 18 divided by 3, x will be 6. Just a minute, here we have done mistake over here, na? Plus 15 shift hoga to minus 15 hoga na, to minus minus plus, तो आंसर क्या आएगा हमें प्लस थ्री। ठीक है, वाई इक्वल टू प्लस थ्री, तो यहां में प्लस थ्री लेना है और कुछ नहीं, तो प्लस थ्री लूंगा तो माइनस वन इंस्टेड ऑफ वाई प्लस थ्री विल हैव प्लस टू, तो इंस्टेड वाई की वन वैल्यू प्लस थ्री लेनी है, चलो ले लेते हैं। ठीक है, अब प्लस थ्री अगर मैंने लिया यहां पर तो आई विल हैव ट्वेल्व माइनस सिक्स, That means 12 minus 6, 6 और 2। तो यहां पर y की, ये जो y की वैल्यू के लिए हमें जो x मिल रहा है वही हमें यहां मिलना ही चाहिए, नहीं मिल रहा है तो समझ जाना कुछ मिस्टेक की, जैसे मुझे नहीं मिल रहा था मैंने चेक किया कि मैंने क्या मिस्टेक की, तो मैंने यहां मिस्टेक की हुई थी। अब मैंने जैसे बताया था फ्रैक्शन जब या तो डिनोमेटर वन टाइम प्लस करो वन टाइम माइनस, तो पहले एक काम करते हैं डिनोमेटर को प्लस करते हैं तो आया 6, तो हम 6 लेंगे, तो x इक्वल 12 माइनस टू इंस्टेड ऑफ y 6 डिवाइड बाय 3, तो 12 माइनस टू 6 दैट 12 बाय 3, तो x इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0, ये डिनोमिनेटर को प्लस कर डाल, अब माइनस करेंगे 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, अब y क्या लेंगे 0, x इक्वल 12 माइनस टू इंस्टेड ऑफ y 0 डिवाइड बाई 3, 2 0 का 0, तो विल हैव 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 4, लेट अस मेक अ टेबल, x 2 y 3 x 0 y 6 x 4 y 0, सी हियर वी आर गेटिंग x to y is the same coordinate, it indicate what, this both line will intersect at x equal to 2 and y equals to 3, go through this then we'll draw the graph, let us draw the graph, for that I must have to write coordinate,
सो 4 एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 तो कोऑर्डिनेट्स आर for this line let us draw the graph see maximum x is 4 and maximum y is 6 that's it One, two, three, four, five, six, seven. Y dash near minus one. X. One, two, three, four, five. X. X dash. Let us draw graph of this line first. X0, Y1, where whatever coordinate we have given, don't bother about it. Mark a point, the coordinate which we have. Which coordinate we have? Y1. So, this is Y axis. Here we have coordinate. X1, Y2. X axis 1, Y axis 2. So, here we'll have point. X2, Y3, X axis 2, Y axis 3, here, now we draw a straight line which passes through these all three points, So this is equation of the line x minus y plus 1 equals to 0. Now this one x2 y3 same point x0 don't bother about 0 y6 where we have y6 here x4 y0 so we have x4 we do not point at x equal to 4 here so these three points we are having for the Second line, let us join all these three points. So this line represents 3x plus 2y minus 12 equal to 0. See one more question is given over here. No doubt we have to draw graph of these two lines. But we have to shade the triangle form by these two intersecting lines with the x-axis. ये x-axis है. उसके साथ में intersecting point कौन सा triangle form करता है? ये वाला ट्राइंगल ये पूरे ट्राइंगल को हमें क्या करना है शेड करना है तो मैं यहां पर ऐसे लाइन शो करता हूं आप अपने पेंसिल से इसको शेड भी कर सकते हो सो हियर दिस क्वेश्चन इज ओवर ओके गो थ्रू दिस Clear? Let us end this lecture over here. Bye. Have a safe day.